चंगा हो गया कि से पहला स्टॉप है चाय का। वैसे तो सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं, लेकिन कई जगह पे अभी नए पुल बन रहे हैं, तो अभी उन्हीं पुराने रास्तों से जाना पड़ता है जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। और अभी एक दिन ही कुछ घंटों की बारिश में ये स्थिति हो गई है, तो बड़ी चिंता वाली बात है कि जब लगातार बारिश होगी तो इस जगह से कैसे निकला जाएगा। ये देखिए फिर से बादल आ गए रोड में, और अभी 10:15 हो रहा है और अभी भी सूरज का कोई अता पता नहीं है। तो बस हम इस रोड में बादलों के बीच में चले जा रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, और देखते हैं बादल कहाँ तक रहते हैं और मौसम साफ होता है कि नहीं होता है आगे। सोचा था कि धरासू गांव में रुकेंगे जो काफ़ी फेमस है और काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे रोड में इतने बादल आ रहे थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई और वाइटी ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। ये बहुत ही खूबसूरत मल्ली विलेज है, पानी पी रहे। कुछ देर मौसम का आनंद लेके हम फिर आगे चल दिए उत्तरकाशी के लिए। उत्तरकाशी से 10 किलोमीटर आगे एक कैंप बना हुआ है जहाँ पे सभी गंगोत्री के श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसकी कोई कॉस्ट नहीं, कोई कीमत नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो वो अपनी कलाई में बांधने वाली एक पट्टी देते हैं और आपका सारा डिटेल लिख लेते हैं, गाड़ी का और आपका मोबाइल नंबर। और इस जगह पर खाने पीने की व्यवस्था है, वॉशरूम है, और ये मैंडेटरी है, ज़रूरी है गंगोत्री धाम में दर्शन करने के लिए। बहुत हल्की हल्की फुहार आ रही है, अभी भी गर्मी है यहाँ पे। हम हगोरी बाबा खोपड़ी वाले, हम आशीर्वाद वाले। बर्फ दिख रही, अरे भैया बर्फ दिख गई हमको।
जगह हम लोग मैगी खाने रुके हैं। और ये जो चीड़ के पेड़ होते हैं ये जो नेचुरल गिरे हुए पेड़, ये ढूंढने में बहुत मज़ा आता है। तो हम लोग बस यूँ ही वॉक कर रहे हैं। अरे बहुत आगे चले गए, मैं आपको जंगल दिखाता हूँ, इतना सुंदर। खत्म हो गए, ये सिंगल रोड है, इसको फोर लेन करने में सुविधा तो बहुत हो जाती है, लेकिन ये जो नेचुरल पहाड़ है, जो सालों से नेचुरल पहाड़ है, इनको काटना पड़ता है और ये कमजोर हो जाते हैं और तभी लैंडस्लाइड का खतरा हो जाता है। ये पड़े देखो जी, ये पड़े इतने सारे, लेकिन वो पुराने हो गए। ये पड़े इतने सारे, वो एक ताजा बहुत ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन अब कौन खा जाएगा वो बीच वाला। हाँ, ऊपर ऊपर साइड वाला, राइट साइड वाला। चलिए मुझे मैसेज आधार, ये देखो यहाँ तुम्हारे हाथ पहुँच जाएगा। ये देखो ये यहाँ तक तो पहुँच जाना चाहिए। ये वो ना, नहीं हार्ड है, देखो कितना लंबा है, पर ये थोड़ा डिटोरिएट हो चुका है। देखो देखो देखो, खराब हो गया है, पुराना है, वापस डाल दो। ये आग जलाने का काम आता है और बिल्कुल कैटलाइजर का काम करता है ये। तो ये सुंदर पहाड़, ये उधर ग्लेशियर, उधर वो थोड़ा सा वो भी दिख रहा है, वाटरफॉल की तरह से पानी। क्या मस्त बना दिया मैंने, वाह। मम्मी को दिखा दो, आर्टिस्ट को दिखा दे एक मिनट। आर्टिस्ट को अपने आर्ट पीस के साथ बुके बुके तैयार कर रहे हैं हम, छोटा सा स्पेशली हिमालयन। ये पतली पतली पहाड़ों में चढ़ती हुई सुंदर सुंदर गाड़ियाँ, ये छोटा सा मैगी पॉइंट है। वो सामने गंगा बहती आ रही है गंगोत्री से। पहाड़ों में मैगी बेहतरीन, दर्शन करने के बाद आकर के थोड़ी देर में थोड़ा कॉफी और मैगी खा ले, बहुत बढ़िया है। क्या मौसम का मजा है, वो पहाड़ में आती हुई बस। देखो इन्होंने बांध के रखे हैं, कलर कर दिए देखो। हाँ यार, ये खाना है मेरे को अपना, यार हाथ पोछना पड़ता है ज्यादा। ये गंगोत्री धाम के मंदिर से कुछ ही किलोमीटर नीचे ये गंगा का पूरा खुला स्वरूप है, और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बारिश हो रही थी, इसलिए हम इधर ही रुक गए और बस यहीं से आपको सारा सीन दिखाता हूँ। माँ गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र, चारों तरफ देवदार के घने पेड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और कुदरत पूरे रूप में खुली हुई, बहुत ही सुंदर। लगातार हम दोनों के फोन पे मौसम विभाग के अलर्ट आ रहे थे, उत्तराखंड सरकार के भारी बारिश और चेतावनी के, और अपने आप को सुरक्षित रखने के आदेश आ रहे थे, तो इसलिए हमने बहुत देर समय ना गुजार करके गंगोत्री से लौटना ही मुनासिब समझा, और ये बहुत बेहतरीन यादगार यात्रा समाप्त करके और उसकी यादों के साथ हम वापस ग्वालियर की तरफ लौट पड़े।